उसके साथ इंटर ऐसा नहीं हो सकता कि हम अकेले कहीं पर रह लें हम जिंदा आए तो हमें खाना भी चाहिए हमें एयर से ऑक्सीजन की भी जरूरत है और जिंदा रहने के लिए हमें पानी की भी जरूरत है तो हमारा इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ चलता रहता है इसी इंटरेक्शन को नज़र में रखते हुए हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें से पहली है पॉपुलेशन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी इनहेबिटिंग अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन तो हम लोग पॉपुलेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं फिर क्या होता है कि ऑल द पॉपूलेशन दैट लिव इन इनबिटेड एंड इंटरक्ट इन वेरियस वेज विद वन एंड अदर कलेक्टिवली कॉल्ड अ कम्यूनिटी तो हम लोग खुद यानी इंसान जब अपने इन्वामेंट से और दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम एक कम्युनिटी बना देते हैं बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं वो मिलके कम्युनिटी बना रही होती हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो मिलके एक इकोसिस्टम बना रहे होते हैं एक जगह पे इकट्ठे रह रहे होते हैं अब इकोसिस्टम क्या है द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक कम्युनिटी एंड द ए बायोटिक कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड इको यानी एको में सिर्फ हम लोग ही या जिंदा चीज़ें ही नहीं है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया अब जितने भी इकोसिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में वो इकट्ठे जब कलेक्ट होते हैं तो उनको हम कह देते हैं बायोस्फीयर्स। यानी ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड लिविंग टुगेदर मेक अप अ बायोस्फीयर। अब उसमें सारे के सारे जो इकोसिस्टम्स हैं अर्थ के वो आ जाते हैं चाहे वो डेजर्ट्स हों चाहे वो मरीन इकोसिस्टम हो वो सारे के सारे मिलके बायोस्फीयर बना दे अब हमारे इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली दो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हम लोग यानी कि लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स इंसान तो हैं ही एनिमल्स भी हैं उसके साथ प्लांट्स आ जाते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं फंगस आ जाती है ये सारे जो हैं ये बायोटिक फैक्टर्स ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दूसरी तरफ ए बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि एयर है वाटर है लाइट है सॉइल है टेम्परेचर है ये सारे के सारे ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड हुए हुए हैं उस पर सबसे पहले आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर जो है, वो हैं वो ऑटो हैं यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और इसमें आ जाते हैं प्लांट्स एल्गाई एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिर कंज्यूमर्स आ जाते हैं यानी कि हम लोग अब देखिए नॉट सिंथिस ओन फूड उसमें एनिमल्स आ जाते हैं फंजाए आ जाते हैं प्रोटोजन आ जाते हैं और बहुत से बैक्टीरिया जो हैं वो भी इसी ग्रुप में आ जाते हैं उसके बाद डी हैं डी जो हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनटू सिंपलर कंपाउंड्स और वो जो है यूजुअली डेड मैटर होता है यानी जो लीव्स होते हैं यानी एनिमल्स जो होते हैं वो भी जब डेड हो जाते हैं तो उनको वो डीकम्पोज कर देते हैं फिर यही जो सारे कंपोनेंट्स हैं जो चीजें हैं वो एक इन्वायरमेंट में रिसाइकल और री होती रहती हैं वो उनका एक फ्लो बना होता है कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट अब ट्रॉफिक लेवल जो है इज द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स इन अ फूड चेन अब जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो क्या होता है मेजरली वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और सेकेंड जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और इस तरह सर्कल चलता रहता है अब हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसे होता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सोलर एनर्जी यानी सन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं उनसे भी हीट रिलीज़ हो रही होती है और फर्दर दे आर आइदर दे जस्ट डाए और वो डिकम्पोजर्स के पास चले जाते हैं और उसका पार्ट बन जाते हैं या फिर वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं बाय बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बी वोर्स वगैरह हर्बी वोर्स जो हैं वो आगे अगले कंज्यूमर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उन्हें खा लेते हैं तो इस तरह से वो जो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक शिफ्ट होती रहती है और वो उनकी बॉडी एक्टिविटीज भी एक परफॉर्म कर रही होती हैं और एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे हेल्प आउट कर रही होती फिर इस तरह जो मटीरियल्स हैं वो भी एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट में जा रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अब फूड चेन क्या है फूड चेन इज सीज ऑफ ऑर्गेजम विदोसिस्टम इनगेड बाई दर इट जो फूड चेन होती है प्रोड्यूसर जो है वो क्या है वो प्लांट्स हैं ग्रास है जो कि प्रोड्यूसर है फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रास होपर जो है वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है इसी तरह और इंसेक्ट भी हैं फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं लेट सपोज वी कॉल अ स्पैरो वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी क्यों है कि उसके ऊपर भी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्पैरो पे फीड करता है और वो है टर्शरी कंज्यूमर यानी कि एक हॉक इस तरह की बहुत सारी फूड चेंज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती है फिर बात आती है फूड वेब की अब नेचर में होता ये है कि फूड चेंज बहुत सिंप्लीफाइड होती हैं कि एक एक ऑर्गेनिज्म का डिस्कशन हो रही होती है लेकिन इन एक्चुअल एक जो चीज़ है उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे होते हैं जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स भी कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं फिर डिफरेंट एनिमल्स को उससे ऊपर के एनिमल्स भी डिफरेंट कंज्यूम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हर बंदा सिर्फ एक चीज़ खा रहा है तो वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी वेब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं फूड वेब फूड वेब में ये होता है कि प्रोड्यूसर सबसे नीचे होते हैं उसके ऊपर हर भी वोर्स आ जाते हैं जैसे अगर हम कोई रेबिड की एग्जांपल ले लें हम एक ग्रास हॉपर की एग्जांपल ले लें उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं जैसे कि कोई रैट हो गया कोई स्नेक हो गया और उसके ऊपर हमारे पास ट्रशरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं जैसे कि कोई हॉक हो गया कोई आउल हो गया ये इन चीज़ों को भी खा लेते हैं अब ये डिफरेंट वेब्स हैं और इनमें आपस में भी रिलेशन है जैसे एक रैट जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट्स पर फीड कर रहा होगा एक स्नेक जो है वो रेबिड भी खा सकता है

अब पैरामिड ऑफ नंबर क्या है कि इट्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स अब अगर हम वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले उसमें क्या है कि प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं यानी प्लांट्स अब होता ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं प्राइमरी जो हैं वो ये है कि वो प्रोड्यूसर से थोड़े कम नंबर में आते हैं उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो निचले लेवल से थोड़े और कम नंबर पे होते हैं और जो टॉप पे होते हैं पिरामिड के वो सबसे कम नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इसी तरह पिरामिड ऑफ़ बायोमैस है अब दैट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमैस प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स अब बायो भी जो है वो प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा होता है फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स का उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स का उससे कम और टर्शरी कंज्यूमर्स का बायो जो है वो सबसे कम होता है अब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें डिफरेंट बायोकेमिकल केमिकल साइकिल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारा एनवायरनमेंट जो है वो एक सोर्स है जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को अब वो जो मटेरियल्स हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास जाते हैं डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड हुए होते हैं और फ्लो करते रहते हैं वो साइकिल्स क्या हैं उसमें सबसे पहला है कार्बन साइकिल अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बहुत बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट है बहुत सारे जब एनिमल्स हैं वो ब्रीथ करते हैं हम लोग भी जब ब्रीथ करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो जो है वो समटाइम्स वाटर का पार्ट बन जाती है कभी अर्थ क्रस्ट में चली जाती है हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर रही होती हैं प्लांट्स में वो उसको प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो इस तरह से एक साइकिल है कि एक एक सोर्स है और वो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड बाई अनदर ऑर्गेनिज्म और इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है फिर नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हो रहे होते हैं सबसे पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स जो नाइट्रेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो दो तरीकों से हो रहे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से और अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन से अब जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो गैशियस फॉर्म में है और वो हम सिमुलेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे मैकेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो उस एटमोसफेयर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं इसी तरह अमोनिफिकेशन में ही होता है कि अमोनिया जो है उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है और फर्दर वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है फिर उसके बाद एसिमिलेशन का स्टेप आता है कि वो एसिमिलेट हो जाते हैं और उसके बाद डी का स्टेप आता है नाइट्रोजन साइकिल में हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे इंटरैक्शन हो रहे होते हैं उन इंटरक्शन की भी सर्टेन टाइप्स हैं जो सबसे पहली टाइप है दैट इज़ कॉम्पिटिशन अब डिफरेंट स्पीशी और इवन सेम स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी जो हैं, वो एक दूसरे से कर रहे होते हैं फॉर फूड फॉर शेल्टर फॉर सर्वाइवल एवरीथिंग ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है स्पीशी के इंडिविजुअल्स के दरमियान और डिफरेंट स्पीशी के दरमियान इसको हम क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन कह देते हैं दूसरा है प्रिडेशन प्रिडेशन का मतलब है शिकार करना यानी एक ऑर्गेनिज्म प्रिडेटरी है और वो किसी दूसरी चीज पे शिकार कर रहा है जैसे कि एक बर्ड है वो ग्रास हॉपर को खा रहा है तो बर्ड जो है वो प्रिडेटर है तो इनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा वो प्रिडेशन है फिर एक और टाइप है इंटरक्शन की वो है सिम्बियोसिस सिम्बियोसिस का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ लॉन्गर या शॉर्टर टाइम स्पेंड करें सिम्बियोसिस की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं सिम्बियोसिस में फर्स्ट जो टाइप है दैट इज पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म जो है उसकी एक बहुत मेजर एग्जाम्पल है आपके सर की जुएँ पैरासिटिज्म में ये होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको फायदा हो रहा होता है जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा होता है फिर म्यूचुअलिज्म आ जाती है म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से फायदा उठा रहे होते हैं तीसरा आ जाता है कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म ऐसा होता है कि उसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फायदा हासिल कर रहा होता है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई नुकसान नहीं होता ये ऐसे ही है जैसे समंदर में जो छोटी मछलियाँ होती हैं या सखा फिश वगैरह होती हैं वो वेल के साथ चिपक जाती हैं उससे ये होता है कि उनके लिए ट्रैवल करना आसान होता है और उनको थोड़ा सा शेल्टर मिल जाता है तो वो कमेंसलिज्म हो जाता है हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें एक बैलेंस मेंटेन हुआ हुआ है लेकिन उस बैलेंस को जो ह्यूमन इंपैक्ट है वो अक्सर का थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होता है वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो उस बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं उनमें सबसे पहले आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि वो गैसेस जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गई मीथेन हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई ये जब हमारे एनवायरनमेंट में का हिस्सा बनती रहती हैं तो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रेज़ हो रहा है हमारे जो सीज़ हैं उनका वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग में आ जाती है फिर एक और फिनोमिना होता है एसिड रेन एसिड रेन में ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो रेन के साथ मिलके एसिड्स प्रोड्यूस कर देते हैं जब वो एसिड बारिश के साथ नीचे आते हैं तो वो हमारी बिल्डिंग्स को जो है वो मुतासर करते हैं हमारी फूड क्रॉप्स को मुतासर करते हैं हमारे जो वाटर रिजर्वर्स होते हैं जो पीने का पानी होता है उसको भी मुतासर करते हैं फिर डिफॉरस्टेशन है यानी दरख्तों का काट दिया जाना तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए दरख्तों को काटते हैं और दैट डिफॉरेस्टेशन इन टर्म्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है साथ एक प्रॉब्लम जो है वो ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन का भी है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है और इतने सारे लोगों के रहने खाने पीने के इंतज़ाम इन सारे फैसिलिटीज़ के लिए अर्बनाइजेशन हो रही है कि हम शहर पर शहर बनाते जा रहे हैं और जो हमारा फर्टाइल लैंड है समटाइम्स वो भी जो है वो अर्बनाइज हो जाता है रादर देन के वहाँ पर फार्मिंग हो और वहाँ पर फूड क्या कॉज करता है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर वाटर एंड लैंड दैट में हार्मफुली अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं द फर्स्ट वन इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि स्मोक फॉर्मेशन होती है एसिड रेन हो रही होती हैं हमारी जो ओजोन लेयर है वो मुतासर होती है और वो डिप्लीट हो, होती है और उसको नुकसान पहुंचता है उसको हम रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम दरख्त तो उगा सकते हैं यानी एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस को मॉडिफाई कर सकते हैं उनको प्योरीफाई करके रिलीज कर सकते हैं फिर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर वाटर पोलूशन आती है वाटर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से क्या होता है यूट्रिफिकेशन हो रही होती है हमारे जो फूड चेन्स हैं वो कंटेमिनेट हो जाती हैं एपिडेमिक्स आ जाती हैं और इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम सिविच ट्रीटमेंट करें हम अपने गटरों का पानी या इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो परफॉर्म करें और इन दोनों को विदाउट ट्रीटमेंट अपने जो वाटर रिजर्व हैं उसमें ना डालें जो है रिवर्स और ओशंस को ना पोल्यूट करें फिर इसी तरह जो ओशन में ट्रांसपोर्टेशन uh, की वजह से ऑयल स्पिल्स वगैरह होती हैं उनको भी प्रॉपरली क्लीन किया जाए फिर हमारे पास लैंड पोल्यूशन आ जाती है वो क्यों होती है पेस्टिसाइड्स की वजह से होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है लैंड फिल्स होते हैं और न्यूक्लियर जो वेस्ट है उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से हमारा जो लैंड है वो भी पोल्यूट होता है अब ये सब तो हम कर रहे हैं लेकिन ये ज़रूरी है कि हम नेचर को कंजर्व भी करें तो मेजरली तीन चीजें हैं जिस जिसपे फोकस किया जाता है दीज आर थ्री आर्स थ्री आर्स मींस रिड्यूस री एंड रिसाइकल के हम रिड्यूस करें अपना जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इतने रिसोर्सेज का उसको रिड्यूस करें फिर जो चीज़ें हमने ऑलरेडी बना ली हैं कपड़ा हो गया लकड़ी हो गई और मटेरियल्स हो गए उनको री करें ये ना कि बस कपड़े पहने और फेंक दिए राहर हम उसको रीपर्पज़ करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें और तीसरी चीज़ ये कि हम रीसाइकलिंग की तरफ जाएँ जो मटीरियल्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं उनको रीसाइकिल करके किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो इस पूरे चैप्टर में मैन और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में एग्जिस्ट करने वाले सारे रिलेशनशिप्स और इफ़ेक्ट्स को हमने अच्छे से देख लिया है आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर जैन फ्रॉम आफीन डॉट पी के